आपके लिए मेरी तरफ से तो थम्स अप है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप मंगवा सकते हैं। मैं लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर चेकआउट करना। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी जो मैं आपको बताऊं कि जब मैं इसको अप्लाई कर रही थी ना, तो इसमें एक हल्की सी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी, तो पता चल रहा था कि ऑथेंटिक है। और इसमें हेलो फ्रेंड्स, आज हमने ये हिना जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी उसको आज हम हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हिना पेस्ट मैंने मंगवाई थी, आज इसी को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए, ये 220 ग्राम है। तो जहाँ मैंने हिना ले ली है और प्लास्टिक की ये कटोरी ले ली है, कभी मेटालिक वाली चीज़ में आपने कलर नहीं डालना है, प्लास्टिक की या कांच की कटोरी लेनी है। और ये लिए मैंने वैसलीन, और एक चाहिए हमें ये ब्रश जिससे कि हम बालों में ये मेहंदी लगाएंगे। ओके, तो सबसे पहले इसको खोल लेना है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी हेयर्स की लेंथ पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी हिना लगेगी, ठीक है? मेरे तो शॉर्ट हेयर हैं, तो इसलिए ये थोड़ी मेरे को कम ही लगेगी, तो आई थिंक इतनी बहुत है मेरे लिए। तो इसको आपने फिर से ऐसे थोड़ा सील करके रख लेना है, नेक्स्ट टाइम यूज़ के लिए, इसको बाद में करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको ना अच्छे से आपने कर लेना है मिक्स। और अब चलते हैं हम कहीं मिरर के आगे, तभी लग पाएगी। तो फ्रेंड्स, मेहंदी लगाने से पहले आपने हेयर वॉश जरूर करने, क्योंकि काफ़ी डस्ट या फिर ऑयल होता है हमारे बालों में, तो वो पूरा निकल जाना चाहिए, तभी आपकी मेहंदी का जो कलर है वो ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो ये लेंगे थोड़ी सी वेसलिन और थोड़ी सी निकाल के ना फ्रेंड्स, ये जो ये होता है यहाँ पर, जहाँ हमने मेहंदी नहीं लगानी है, लेकिन कई बार इससे ना कलर आ जाता है, तो यहाँ पर आपने ना वैसलीन लगा लेनी है, तो बिल्कुल स्किन के ऊपर मेहंदी का जो है कलर बिल्कुल नहीं चढ़ेगा, ठीक है? तो ये स्टेप आपने जरूर करना है। और हाथों में कुछ रिंग्स या कानों में कुछ डाला हो तो उसको उतार लेना है। तो फ्रेंड्स, हमने अच्छे से कॉम कर लेनी है। ये देखिए, मेरे सेंटर में बहुत ज़्यादा बाल वाइट हो गए। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने ना पहले तो ज़्यादा आगे लगाना है, ये ब्रश से लगा के थोड़ा मिरर। फ्रेंड्स, मैं तो वो डालना ही भूल गई। तो फ्रेंड्स, ग्लव्स डालना तो मैं भूल ही गई थी, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, मेरी मेड ही लगाती है मेरी जितने भी मेहंदी वगैरह लगानी है ना, तो फ्रेंड्स ग्लव्स तो जरूर डालने हैं, ठीक है? यहाँ हमारे अच्छे से लग चुकी है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, यहाँ सेंटर से बाल उठाने हैं। ऐसे सेंटर से बाल उठाने हैं और इसको लगा के ना फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इसका ना ऐसे गोल कर लेना है। अच्छा, जिनके शॉर्ट हेयर है ना उनके लिए तो इजी है, लेकिन जिनके लॉन्ग हेयर होते हैं ना उनके लिए बहुत दिक्कत आती है। तो फ्रेंड, ऐसे आपने ना जिसकी जो टेल होती है ब्रश की, यहाँ से ऐसे बाल उठाने हैं और ऐसे लगाते जाना है। तो मैं एक साइड लगा के दिखा देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट जो है। और ये जो बाल है इसके आसपास ऐसे रैप करते जाना है, फिर आपने यहाँ से उठाना है बड़े इजीली। आप अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोई मुश्किल नहीं है। बस देखिए, ऐसे इसके आसपास ऐसे रैप करते जाना है, यहाँ से बाल उठाना है। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने मेहंदी में कोई पानी नहीं ऐड किया, कुछ नहीं ऐड किया है, और एज इट इज इसको मैं लगा रही हूँ, और बड़े अच्छे से अप्लाई हो रहा है जी। तो फ्रेंड्स, मैं अभी पूरा लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। ओके, ऐसे ही बस लगाना है आपने।
तो फ्रेंड्स आगे पूरी लग चुकी है। अब ये जो पीछे के बाल हैं बस ऐसे ही आपने उठाने हैं। आप चाहो तो इसे हाथ से भी लगा सकते हो, मेहंदी को हाथ में लो और ऐसे पूरा नीचे तक ऐसे करते जाओ, लेकिन ब्रश से लगाओ तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर फ्रेंड्स आपको कोई हेल्प करने के लिए मिल जाए ना तो उसी से लगवा लीजिए, अगर आपको मुश्किल होती है तो। लेकिन लगाओगे तो ठीक से लग जाती है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। चलिए पीछे का भी पूरा लगाती हूँ अभी। तो फ्रेंड्स पूरा लग चुका है यहाँ पीछे भी और आगे भी। अभी सबने क्या करना है, बस सिर के ऊपर ऐसे पूरा हाथ से ही ऐसे कर देना। अच्छा अगर आपके पास शावर कैप है तो वो डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे रहने देते हैं। अच्छा फ्रेंड्स अब आपने क्या करना है, एक पुराना टूथब्रश लेना है, ये जो रूट्स है ना बस इसको अपने टूथब्रश से टच करना है ताकि कोई भी वो बाल जो है रह ना जाए। और ये जो हमने वेस्टलाइन लगाई है ना तो आपको डरने की बात नहीं है, स्किन के ऊपर बिल्कुल कलर नहीं आएगा। रूट्स की टचअप तो ब्रश से ही होती है। मेहंदी पूरी अप्लाई हो गई है फ्रेंड्स, तो अभी इसको 2 घंटे के बाद मैंने प्लेन पानी से वॉश करना है। पूरा प्रोसीजर मतलब पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मेरी ग्लव्स के ऊपर भी कलर चढ़ गया है, ये सर्जिकल ग्लव्स है, वैसे ही वो डिस्पोजेबल वाले भी मिलते हैं। तो वो चलिए इसको मैं रख लेती हूँ अभी 2 घंटे के लिए। अभी शाम के 6 बजे हैं, तो कोई पुराना सा ही अपने टी शर्ट डालना है ताकि कोई भी ड्रॉप हो तो नहीं रही है बट स्टिल पसीना आ गया तो निकल के हो सकते हैं। तो चलिए 2 घंटे के बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड्स बाल पूरे अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, यहाँ देखिए 2 घंटे हो गए इसको लगाए हुए, और अभी मैंने इसे प्लेन पानी से वॉश कर लेना है और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैंने प्लेन पानी से इसको वॉश किया है, डार्क कलर आया वैसे। और फ्रेंड इसको ना जैसे आप पूरी रात रखते हो तो कलर थोड़ा और डार्क हो जाएगा, यही इसमें लिखा हुआ है। ओके तो बाल पूरे हो चुके हैं ड्राई, और अभी मैंने इसमें ये ऑयलिंग करनी है। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं मोस्टली कोकोनट ऑयल प्रेफर करती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा ऑयल आपने ऐसे लगा लेना है, उसके बाद सुबह मिलते हैं फ्रेंड्स जब हेयर वॉश करेंगे ना। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ ऑयलिंग कर ली थी, ओवरनाइट ऑयल लगा रहा है बालों में, और अभी बस हमने इसको हेयर वॉश करना है और उसके बाद दिखाती हूँ। फ्रेंड्स बाल लेकिन काफ़ी सॉफ्ट है, लेकिन जो कलर आया है फ्रेंड्स ये जैसे मेहंदी का आता है ना सेम वैसा ही है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए फाइनल रिजल्ट आफ्टर हेयर वॉश का, बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, और मतलब इसको मैंने बिल्कुल भी अभी हेयर ड्रायर से नहीं ड्राई किया है, नॉर्मली बाल ड्राई किए हैं और अभी प्रेसिंग भी नहीं की है, तो हल्के हल्के बाल स्ट्रेट भी हैं मेरे, बाल मेरे तो बहुत ज़्यादा रफ है। तो फ्रेंड इस प्रोडक्ट के लिए मेरी तरफ से तो थम्स अप है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप मंगवा सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर चेकआउट करना। तो फ्रेंड सबसे बड़ी जो मैं आपको बताऊँ कि जब मैं इसको अप्लाई कर रही थी ना तो इसमें एक हल्की सी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी, तो पता चल रहा था कि ऑथेंटिक है और इसमें काफ़ी सारे हर्ब्स ऐड किए हुए हैं। और जब आप घर में बनाते हो तो फ्रेंड्स कई बार होता है कि चाय पत्ती का पानी थोड़ा ज़्यादा डल गया है, कोई भी लिक्विड ही हो गई है, कभी थिक हो गई है, तो ये इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बस काटो घोलो, घोलना नहीं है मतलब घुली हुई है, और बस लगा लीजिए और 2 घंटे आपने रखना है। तो मैंने फ्रॉम स्टार्टिंग टू आपको एंड मैंने पूरा प्रोसीजर आपको दिखाया है। तो फ्रेंड मिलते हैं उसे, तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, अब मैं सेकंड अप्लाई करूँगी तो डार्क कलर और आ जाएगा, तो जी मंगवा सकते हैं आप। ओके तो चलिए फ्रेंड्स यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक और नई रेसिपी, या फिर इसी का एक हेयर मास्क जो मैंने मंगवाया है उसको अप्लाई करके देख लेंगे, वो भी कैसे है इसका पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरी तरफ से तो एकदम थम्स अप है इस प्रोडक्ट के लिए, बहुत ही अच्छा है और आप मंगवा सकते हैं फ्रेंड्स, मतलब मेरी तरफ से तो ओके है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।